एवरेजेस गौरांग सर, फंडामेंटली किसी में बाय आइडिया बन रहा है क्या? दोनों स्टॉक गजब के हैं। इंडस टावर पर कवरेज है, वरुण बेवरेजेस पर कवरेज थी, लक्ष्यांक आने के बाद कवरेज निकाल दिए, तो इंडस टावर नतीजे आज है, इसलिए ज्यादा आगे बढ़ती हुई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इंडस टावर काफी अच्छा लगता है और पिछले 6 महीने में सबसे बेहतरीन रुझान इंडस टावर में मैं देखता हूँ। के मूव्स मतलब टेलीकॉम में जो समीकरण बदले उसका भरपूर फायदा ये देखिए इंडस टावर को मिलता हुआ, ये पसंद आ रहा है। खैर दोनों के नतीजे और दोनों के कुछ इंटरेस्टिंग आउटकम्स भी बोर्ड में अवेटेड हैं, आने देते हैं फिर चर्चा करेंगे। अब आस्था के पास चला जाए और आस्था से रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि आज एक आईपीओ ऑफरिंग है भाई, खुलने जा रहा है आईपीओ, सब्सक्राइब करना है नहीं उसकी चर्चा कर ली जाए। आस्था गुड मॉर्निंग, पहले डिटेल स्क्रीन से आएंगी। आकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आज से खुलेगा, थर्सडे यानी कि 1 अगस्त को आईपीओ बंद होगा। 646 से 679 रुपीज का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1850 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 680 फ्रेश, बाकी सारा ऑफ ऑफ और सेल पे। आस्था प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आकुम्स ही है क्या और पैसा डालना है नहीं डालना? हाय गुड मॉर्निंग, इसका प्रोनाउंसिएशन एकम करके होता है, एकम ड्रग्स, तो ई करना चाहिए तो कंफ्यूजन नहीं होता। प्रमोटर्स की सुने तो उन्होंने काफी रिलीजियसली इसका नेम रखा है क्योंकि जितने भी रिलीजन है उसमें एकम बहुत बार वर्ड आता है, तो इसीलिए उन्होंने इसका यूज किया है, एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। देखा जाए तो कंपनी लार्जेस्ट सीडीएमओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग में रहती है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है बेसिकली, और इंडिया फोकस्ड लार्जेस्ट सीडीएमओ है। और देखा जाए तो कंपनी जिस तरह से 2004 में एस्टेब्लिश हो गई थी, बहुत बढ़िया कैपेबिलिटीज हैं इनकी, 78% ऑफ द रेवेन्यू सीडीएमओ बिजनेस से आता है, और इबिट्टा की भी बात करें तो काफी अच्छा खासा इबिट्टा यानी कि मोर देन 90% इबिट्टा सीडीएमओ से ही ड्राइव करते हैं और बाकी एपीआई बिजनेस से आता है। कंपनी को हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग दी जा रही है, सब्सक्राइब करने की राय रहेगी, लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी दोनों ही नजरिए से करिए, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करते हुए लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सब्सक्राइब करने की सलाह है। देखा जाए तो जब कंपनी की यहाँ पे आप आरएचपी देखेंगे तो उसमें लॉसेस आपको दिखेंगे, लेकिन वो लॉसेस के पीछे एक कारण है जो मैं बताना चाहूंगी क्योंकि वही मेजर हाईलाइट है इस पूरे अगर हम आईपीओ की बात करें कि कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से कंपनी को वो लॉसेस दिखाने पड़े। अगर वो लॉसेस हम हटा देते हैं तो कंपनी की अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी है और उसी वजह से 29 का पीई मल्टीपल पे कंपनी अपने आईपीओ को ला रही है एट द हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। तो हमें लगता है कंपनी बहुत बढ़िया एस्टेब्लिशमेंट के साथ उतरी है मार्केट में, और अगर हम ये लॉसेस को एडजस्ट करें तो प्रॉफिटेबिलिटी है, और इसी वजह से राय रहेगी सब्सक्राइब करिए, लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए से लगाने की सलाह हमारी तरफ से इस आईपीओ को है। एकम ड्रग्स, सॉरी सुबह से जो मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था, एकम ड्रग्स में लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स और लंबी अवधि के लिहाज से निवेश किया जा सकता है। आस्था थैंक यू सो मच। एक एनटीपीसी पे जेफ बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।